आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू द शार्प करियर। बड़े हैं बूढ़ों की तो जिंदगी केवल यादों में ही कट जाती है। याद आना किसी चीज को, किसी स्थान को देख करके किसी दूसरे स्थान का याद आना, बच्चों को खेलता देख करके अपने बचपन की यादें ताजा हो जाना, ये एक आम बात है। बड़े बूढ़े तो अपना जितना बुढ़ापा है सब यादों में ही काट देते हैं, अपने बच्चों की यादों में, क्योंकि बच्चे तो चले जाते हैं बाहर पढ़ने, बाहर नौकरियों पे चले जाते हैं, वो तो यादों के सहारे ही जीवित रहते हैं। देखें आज मैंने टॉपिक ही ये लिया है, याद दिलाता है, अंग्रेजी बनेगी रिमाइंड्स मी ऑफ। अब देखें अंग्रेजी पहली, आपको मजा आ जाएगा। ये जगह मुझे मेरे गांव की याद दिला देती है, ये जगह दिस प्लेस रिमाइंड्स मी, याद दिला देती है ऑफ माई विलेज, अपने गांव की। ऐसा कौन सा आदमी है जो गांव से संबंधित ना हो, और गांव से आने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं शहर में जिसको गांव की शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण, सब चीजें याद ना आती हूं, ऐसा कोई नहीं है। यह खाना मुझे मेरे माँ के हाथ के खाने की याद दिला देता है, दिस फूड रिमाइंड्स मी। अब माँ का खाना, माँ के जाने के बाद माँ का खाना, उसके हाथ का खाना, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो याद ना करता हो, दिस फूड रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर्स फूड। ये बच्चे मुझे मेरे बचपन की याद दिला देते हैं, दीज चिल्ड्रन रिमाइंड मी ऑफ माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड माने बचपन। दिस प्लेस, अब एक जगह है लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, अहमदाबाद, बंबई, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो आप भूल नहीं सकते, बहुत ही अच्छे शहर है। और लखनऊ की तो नफासत का क्या कहना। देखें दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ लखनऊ, अर्थात इस स्थान में वो बात है कि मुझे लखनऊ की याद आ जाती है, यादें ताजा हो जाती हैं लखनऊ की। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।